हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वास असुशा निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जेलर से वापस एक थर्ड गाना आया है। क्या बात है, राइट? हाँ, थर्ड गाना है, क्योंकि इसके पहले भी एक गाया था। नहीं, थोड़ा गलत भी हो गया था, वो थोड़ा सा ठीक गाना था, बट जॉनर्स में खेला गया था वो, क्योंकि जिस हिसाब से उसको रील्स में चलाया जा रहा है, वो समझ रहा है मेरे को कि उसको चला रहे, क्योंकि बाकी जो दो गाने वो ऑलरेडी, मतलब दो बोल रहा हूँ, एक गाना जो था वो अनिरुद्ध ने यार गाया भी, अरे यार याद है ना, बढ़िया था यार वो, अच्छा बहुत बढ़िया था, हाँ। तो ये थर्ड गाना है, बिल्कुल 100% थर्ड गाना है यार। तो जेलर का गाना का है, गाना आए और हम लोग लेट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो है, क्या बोलता है वो, दूसरा तो गाना नहीं था, अरे 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 ना, हाँ, वो कोई दूसरे मूवी का था। अरे यार सॉरी, अच्छा दूसरे मूवी का था, वो दूसरे मूवी का था, बिल्कुल बिल्कुल, वो रजनीकांत साहब का नहीं था, वो दूसरे हीरो का था जिसने अनिरुद्ध ने गाया था, तो इसका दूसरा ही गाना समझ लिया अभी, समझ रहा है यार। इतने सारे गाने रिव्यू करते ना गाइस, तो कंफ्यूज हो जाता है, पर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जेलर से जो जुजुबी लिरिकल वीडियो आया है, सुपरस्टार रजनीकांत साहब, अनिरुद्ध और दी, तो यार ठीक है, ऐसा थोड़ा सा गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, इतने सारे हम लोग रिव्यू करते हैं, तो ठीक है। तो गाइस, एक काम करते हैं, वीडियो पे आते हैं, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो, और ऐसी हमारी छोटी छोटी गलतियां माफ करते जाओ, है कि नहीं? तो वो तू जो बोल रहा था, वो गाना बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, गलती होती है सबसे। बीच में भी और एक गाना आया था ना, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हो सकता है, ठीक है ना यार, ठीक है ना, पब्लिक को पता ही है। चलो लगा दे यार, ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, और सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करना, ठीक है? लगा दे सुशांत, और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में बताना। चलो चालू किया ना। Wow, nice. अरे यार नाइस। आवाज क्यों कमी लिया है, थोड़ा लिया है, गलती अच्छी हुई है। अरे यार ये वो एक फेमस सिंगर है, इसका वायरल हुआ था एक गाना। क्या बात है यार, वाह क्या बात है रे। यार गाइस सॉरी यार, सिंगर्स में थी, मतलब वो नहीं क्या, अरे इनका एक गाना ये हुआ था ना, अपना फेमस हुआ था ना, कु कु कु। अच्छा, ऐसा एक गाना था इनका, हुआ था पब्लिक ने अपने को शायद से इसकी रिक्वेस्ट भी की है। ओके ओके, तो देखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे तीन, जहाँ पे अब पॉज हुआ है वहां पे तीन सिंगर का नाम लिखा है, थी अनिरुद्ध और अनंत था। हाँ, तो वो जो गाना जो था ना, वो इसी का था, क्योंकि उसमें वो काम था। अच्छा, मेरे को याद है। ओके, वीडियो में वगैरह, ऑडियो में वगैरह, तो ये वोकल्स काफी अच्छे लग रहे हैं ये गाने में, बिल्कुल। और सबसे बेस्ट पार्ट तो किक के साथ जो कंप्रेस हुआ है सब कुछ, साइड जोन किया दो तीन, एक साइड चेंज जो किया है बहुत सही। और एक बात बताता हूँ, अरे यार गाइस, पर्कशन ये मतलब क्या, पता नहीं उसने, भाई ने वापस रिकॉर्ड किया, पता है क्या, वो रिकॉर्ड करवाया है, बहुत पूरा पिच कर अपन वापस लगा दे गाइस, मैं रोकूंगा नहीं, मैंने वापस लगा रहा हूँ ना, इसलिए तो भी मेरे को ये हो जाता है। तो गाइस यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो इतना अच्छा चल रहा था यार, बहुत सही, बहुत यार अनिरुद्ध भाई यार अच्छा काम। मैंने बोला ही था ना कि आपके साउथ वाला भी फील रखते हैं, और फिर अगर ये आया तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल सॉन्ग के साथ थोड़ा सा ज्यादा खेलते हैं, जॉनर्स के साथ खेल रहे हैं, सही बात है, तो वो समझ में आ रहा है। तो चलो आगे आगे से यार, चलो हाँ।
बेस तो देख, बेस तो बहुत अच्छा है। अरे वाह यार, बहुत प्यारा ब्लू। नाइस सॉन्ग है। क्या बात है, बहुत पावर। नाइस लतकड़ता त्रिकड़ता। नाइस क्या बात है, नाइस। वाओ यार, वाओ। अरे नाइस यार, क्या खतरनाक। वाओ वाओ, ये तो भी वोकल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे हाँ। यार ओ ओ, ओ, ओ ए अरे बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा प्यारा मेरे को ये लगा है भाई। अनिरुद्ध यार बहुत प्यारा काम कर रहे भाई, बहुत प्यारा काम, मैं सच बता रहा हूं। कंपोज बाय अनिरुद्ध, हम हर बार बोलते कि यार बहुत प्यारा काम कर रहे हो आप। इसके पहले का भी हमने गाना, या उसके जो सुशांत जिसमें कंफ्यूज हुआ था वो गाना, और हर गाने में हम आपको बोलते ये कि यार नहीं, कुछ तो मजबूत काम कर रहा है ये बंदा अनिरुद्ध, अलग काम कर रहा है करके। सबसे पहले तो मैं धी, बहुत बहुत प्यारा वोकल्स है आपका। एंड जो अरे जुजुबी जो वोकल्स चल रहे थे ना, इवन वो इतने क्लीन वोकल, इतने क्लीन मिक्स किया उसको, पूरा ट्रैक इतना क्लीन मिक्स है कि क्या बताऊं। और हर एक एलिमेंट सुनाई आ रहा है, और उसको जो अरेंज किया है कभी क्या आ रहा है, बट जो इन्होंने पर्कशंस यूज किए ना गाइस, पर्कशन के एलिमेंट्स जो यूज किए ना, इतने प्यारे यूज किए, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। मैं बोल रहा हूं ना कि मैंने अपना जो झूमे जो पठान था ना गाना, झूमे जो डम बडकम डकम डपंग डम बडपंड पंडडडम बड, वो मजा आया था मेरे को ऐसा। बिल्कुल हाँ, ऐसे मतलब बाहर के जॉनर, मतलब इंडिया का अगर छोड़े, उसके बाद अभी ये है, मजा आ रहा है। और भी बीच में एक तो आए होंगे, इवन गाना भी इतना प्यारा मिक्स था, इतना प्यारा मिक्स कि फील हो रहा था। जैसे अभी कीबोर्ड सिंथ रिदम अनिरुद्ध भाई ने किया है, रिदम प्रोग्राम बाय शशांक विजय, एडिशनल कीबोर्ड प्रोग्राम अरिश पीजे अश्विन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मेरे को ना ये जरूर, मिक्स बाय विनय एंड श्री निवासन एम, बहुत अच्छा मास्टर लूसी। अच्छा ये थोड़ा इधर का लग रहा, बहुत सही भाई, मैं सच बता रहा हूं, इतना प्यारा काम कर रहे हो आप मिलके। मैं अभी हाँ, भी गाने में हूं, अभी टेक बंद होने के बाद मैं वही चलेगा, सच बता रहा हूं। लिरिक्स ऑब्वियस अच्छी होगी, क्योंकि थोड़ा हमको एक तो बीच में वो बड़ा वाला फ्लूट आया था ना, मोटा वाला फ्लूट जो रहता था, एक वो वाला आया था। फिर वॉयलिंस भी काफी अच्छी वॉयलिंस है क्या इधर, अमल
राज, बहुत सही सॉन्ग, बहुत प्यारा अरेंज। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अगर एकदम टेक्निकल जाऊं ना, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। मेरे को इतनी बोलने लायक बात है इसमें, इसलिए मेरे को जब है ना अनिरुद्ध का कोई भी गाना आता है ना, तो मेरे को रिव्यू करने में मजा आता है। मेरे को ये हो गया या कुछ और, जैसे पाकिस्तानी कोक स्टूडियो हो गया, कोक स्टूडियो बांग्ला हो गया, बिल्कुल ये सबके गाने आते हैं, तो क्यों मजा आता अनिरुद्ध भाई का, क्योंकि इनके गानों में ना बोलने के लिए हमको बहुत कुछ रहता है। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर उनके काम, जैसे विशाल शेखर जी हो गए, सलीम सुलेमान साहब हो गए, और बहुत सारे ऐसे ये है 3-4 जिनके गाने रिव्यू करने को मजा आता है। वैसे कि अनिरुद्ध अपने को, रवि बसुरु साहब का गाना रिव्यू करने को बहुत मजा आता है, ठीक है ना, ये कुछ अलग ही मजा होता है इसमें। वार क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलने जाऊं ना गाइस, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म कर रहा हूं, बट मेरे से अगर छूट गया होगा ना गाइस कुछ, उसके लिए मैं, मेरे को सीरियसली माफ कर देना, सही में है कि नहीं, बिल्कुल। और अगर कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, बट गाना बहुत हार्ड है। मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है, बहुत वायलेंस अमल मैं बोल दिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा नयापन ला रहे हैं, कुछ अच्छा कानों को ना, पब्लिक को कुछ नया दे रहे, कानों को सुकून दे रहे, नया दे के, समझ लो, बहुत बढ़िया। बाकी इसलिए गाइज मैं माफी चाहता हूँ, जल्दी वीडियो माफ कर देना, माफ कर देना, मैं इसलिए जल्दी वीडियो खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा डीप बात करूंगा और वापस सुनना चालू कर दूंगा, इसलिए बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।